हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी मास्टर। मैं आपका फ्रेंड जीएस राय। तो फ्रेंड्स, जो लोग फर्स्ट टाइम आए हमारे चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर पीडीएफ्स अवेलेबल करवाई जाती है, वहाँ पर नोटिफिकेशन अवेलेबल करवाए जाते हैं और नई नई वीडियोज की अपडेट भी वहाँ पर दे दी जाती है। चलिए फ्रेंड्स, जो हमने लास्ट टाइम पर 26 क्वेश्चन किए थे, अब उसका हम नेक्स्ट पार्ट लेकर आए आपके लिए। सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से करवाऊंगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको HCS के एग्जाम में काफी मतलब हेल्प मिलेगी। अगर आप यूपीसी की तैयारी करें तो वहाँ पर आपको काफी हेल्प मिलेगी और फ्रेंड्स सभी एग्जाम्स के लिए आपको काफी हेल्प मिलेगी। चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। रोगर्स कप रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? तो रोगर्स कप जो है बहुत इंपॉर्टेंट कप है, ये किस स्पोर्ट्स से रिलेटेड है? तो ये जो है टेनिस से रिलेटेड है। ये SSC के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है, यूपीएससी के अंदर भी ये क्वेश्चन मैच द फॉलोइंग में आया हुआ था और अभी ये जो HCS के अंदर या स्टेट PCS के अंदर भी ये आ सकता है। द कैनेडियन ओपन ऑल्सो नोन एज द कैनेडा मास्टर्स एंड नोन एज द रोगर्स कप प्रेजेंटेड बाई नेशनल बैंक फॉर स्पॉन्सरशिप रीजन्स इज एन एनुअल टेनिस टूर्नामेंट हेल्ड इन कैनेडा। तो ये आप याद रख लीजिए कि जो है रोगर्स कप कैनेडा के अंदर हेल्ड किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर? तो वो है लेंडर पेस। तो लेंडर एड्रायन पेस इज एन इंडियन प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। ही इज वन ऑफ द बेस्ट डबल्स एंड मिक्स डबल्स प्लेयर ऑफ ऑल टाइम्स। तो अब बस इसका थोड़ा याद रख लीजिए कि कई बार क्वेश्चन आ सकता है करंट अफेयर के अंदर है। तो नेक्स्ट है, गैरेथ बेले इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स? तो ये नाम जरूर याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, फुटबॉल से रिलेटेड है। गैरेथ फ्रैंक बेले इज ए वेल्श प्रोफेशनल फुटबॉल हु प्लेज एज ए विंगर फॉर स्पेनिश क्लब रियल मैड्रिड एंड द वेल्स नेशनल टीम। तो ये जो थोड़ा सा याद रखिए कि ये नाम किस स्पोर्ट से रिलेटेड है, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व ऑन? तो वर्ल्ड अर्थ डे कौन सा? ये फ्रेंड्स डेज बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एक मंथ के अंदर कम से कम 4 या 5 दिन ऐसे होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और फ्रेंड्स 12 महीने हैं तो आपको नियर अबाउट 50 से 60 डेज तो मतलब याद करने पड़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर रफली बात की जाए तो फ्रेंड्स नियर अबाउट 130 और 180 के आसपास जो डेज है जो हमें मतलब पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग दिन कुछ ना कुछ हुआ रहता है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो 50 से 60 ही है। तो वर्ल्ड अर्थ डे ऑब्जर्व ऑन ये कब ऑब्जर्व किया जाता है? ये 22 अप्रैल को। अर्थ डे इज एन एनुअल इवेंट सेलिब्रेटेड ऑन अप्रैल 22 ऑन विच डे इवेंट्स वर्ल्ड वाइड आर हेल्प टू डेमोन्स्ट्रेट सपोर्ट फॉर एनवायरमेंट प्रोटेक्शन। तो ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए ये रखा जाता है दिन। इट वॉज फर्स्ट सेलिब्रेटेड इन 1970। एडिशनल इन्फॉर्मेशन आई है, एंड इज नाउ कोऑर्डिनेटेड ग्लोबली बाय द अर्थ डे नेटवर्क एंड सेलिब्रेटेड इन मोर देन 193 कंट्रीज ईच ईयर। तो हर साल ये 22 अप्रैल को 193 कंट्रीज के अंदर मनाया जाता है, ये सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो वर्ल्ड वाटर डे है वो कब मनाया जाता है? वो 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 अप्रैल और 22 मार्च जरूर याद रखिए, 22 अप्रैल जो है वर्ल्ड अर्थ डे है और 22 मार्च जो है वर्ल्ड वाटर डे है। इन 1991 इट वॉज डिक्लेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस दैट। चलिए, यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपके लिए क्वेश्चन है, नीचे कमेंट जरूर कीजिए। फॉर द सेकेंड मार्च ऑफ एवरी ईयर विल बी सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड वाटर डे टू सेलिब्रेट मास अवेयरनेस अबाउट वाटर कंजर्वेशन। वाटर वर्ल्ड वाटर डे इज एन एनुअल यूएन ऑब्जर्वेंस डे दैट हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रेश वाटर। द डे यूज टू एडवोकेट फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फ्रेश वाटर रिसोर्सेज। तो ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, मेन क्वेश्चन मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ चेस रिपब्लिक? इंपॉर्टेंट है, चेस रिपब्लिक की करेंसी कौन सी है? तो कोरोना। चेस रिपब्लिक इज एन लैंड लॉक्ड कंट्री इन सेंट्रल यूरोप। तो मैप में जाकर जरूर देखिए, वर्ल्ड मैप के अंदर ये बॉर्डर्ड बाय जर्मनी। जर्मनी की कैपिटल क्या है और जर्मनी की करेंसी क्या है जरूर याद रखिए। टू वेस्ट ऑस्ट्रिया टू द साउथ, स्लोवाकिया टू द ईस्ट एंड पोलैंड टू द नॉर्थ ईस्ट। तो फ्रेंड्स ये पढ़ने से नहीं होगा, ये समझाने से नहीं होगा, आप खुद जाकर पहले मैप ओपन कीजिए। मैप पे सबसे पहले आप चेक रिपब्लिक देखिए, फिर देखिए उसके साउथ में कौन सी कंट्री है, ईस्ट में कौन सी कंट्री, वेस्ट में कौन सी है, क्योंकि लैंड लॉक्ड कंट्री मतलब चारों तरफ ये कंट्री से घिरा हुआ है। द कैपिटल ऑफ चेक रिपब्लिक इज प्राग PRAGUE। द करेंसी ऑफ चेक रिपब्लिक इज कोरुना। तो इसके जो आसपास की 4 या 5 कंट्रीज हैं इनकी भी जो आप कैपिटल और करेंसी जरूर याद रख लीजिए, और अगर आप लोग ये मतलब आप खुद फाइंड आउट कर लेते हैं ये तो नीचे कमेंट जरूर कर दीजिए, ताकि किसी का जो मतलब मेरे जैसे जो नहीं पढ़ते हैं तो वो आपको जो है आपका कमेंट पर देख कर जो है सीख जाएंगे कि हाँ यार ये चीज़ बंदे ने बता दी है। वट इज़ द कैपिटल एंड करेंसी ऑफ डेनमार्क? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है।
तो कोपेगन इनकी कैपिटल है और क्रोन इनकी करेंसी है। ये एसएससी के अंदर भी आया हुआ क्वेश्चन है तो याद रखिए। कॉपी का तो ये सेम वही चीज लिखी हुई है, आप लोग पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ डेनमार्क? तो डेनमार्क की पार्लियामेंट का क्या नाम है? इसको बोलते हैं फोकेटिंग। फोकेटिंग आल्सो नोन एज डेनिश पार्लियामेंट इन इंग्लिश इज द यूनिकैमरल नेशनल पार्लियामेंट लेजिस्लेटर ऑफ द किंगडम ऑफ डेनमार्क। अब यूनिकैमरल और बाइकैमरल आपको पता होना चाहिए। यूनिकैमरल मतलब एक ही हाउस होगा, बाइकैमरल मतलब दो हाउस होंगे उसके अंदर। इस्टेब्लिश्ड इन 1849 अंटिल 1953 द फोकेटिंग वाज द लोअर हाउस ऑफ ए बाइकैमरल पार्लियामेंट कॉल्ड द रिक्सडैग। तो मतलब दूसरी कंट्री के बारे में इतना ज़्यादा आपको जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके। ये पूरी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, लेकिन इतना ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, बस नाम पूछा है याद रख लीजिए बस। द पार्लियामेंट ऑफ जापान इज नोन एज, तो जापान की पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इजी क्वेश्चन, डाइट, बहुत बार रिपीट हुआ हुआ क्वेश्चन है ये। द नेशनल डाइट इज जापान बाई कैमरल लेजिस्लेचर, इट इज कंपोज ऑफ लोअर हाउस कॉल्ड द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अपर हाउस कॉल्ड द हाउस ऑफ काउंसिल्स काउंसलर्स। बोथ हाउसेज ऑफ द डाइट आर डायरेक्टली इलेक्टेड अंडर पैरेलल वोटिंग सिस्टम। इन एडिशन टू द पासिंग लॉज द डाइट इज फॉर्मली रिस्पॉन्सिबल फॉर सिलेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट, द ड्राइएस्ट लोकेशन ऑन अर्थ इज इन विच कंट्री? तो ड्राइएस्ट लोकेशन कौन सी है? वो चाइल्ड के अंदर है। अब कुछ कुछ लोग इसे चिली प्रोनाउंसिएशन करते हैं, कुछ इसको चाइल्ड बोलते हैं, तो देख लीजिए स्पेलिंग मैंने बता दिया है। द अटाकामा डेजर्ट इज कॉमनली नोन एज द ड्राइएस्ट नॉन पोलर प्लेस इन द वर्ल्ड, स्पेशली द सराउंडिंग ऑफ द अबेंडन यूगेव टाउन इन द एंटोफागास्टा रीजन। चाइल्ड, चलिए चाइल्ड की कैपिटल और करेंसी जरूर बता दीजिए नीचे कमेंट करके, और आप खुद भी देख लीजिए ताकि आपको भी बेनिफिट मिले। नेक्स्ट है द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया, गोरखपुर। द लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया इज गोरखपुर। गोरखपुर प्लेटफॉर्म इज 1366 मीटर लॉन्ग विच इज सिचुएटेड इन यूपी डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे जोन। कोल्लम जंक्शन केरला इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म इन इंडिया विद 1180 मीटर। तो ये कोल्लम वो सेकेंड नंबर पे है। चलिए फ्रेंड्स, T18 के बारे में, ट्रेन 18 के बारे में आप क्या जानते हैं? नीचे कमेंट कीजिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच इज इंडियाज हाइएस्ट अवार्ड गिवन टू ए सिविलियन? इंडिया का सबसे हाइएस्ट अवार्ड कौन सा? वो है भारत रत्न। द भारत रत्न इज द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया। इंस्टीट्यूटेड इन 1954 द अवार्ड इज कन्फर्ड इन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सेप्शनल सर्विसेज परफॉर्मेंस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस ऑक्यूपेशन पोजिशन और सेक्स। द अवार्ड वॉज ओरिजिनली लिमिटेड टू अचीवमेंट्स इन द आर्ट्स लिटरेचर साइंस एंड पब्लिक सर्विसेज, बट द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द क्राइटेरिया टू इंक्लूड एनी फील्ड ऑफ ह्यूमन एंडेवर इन दिसंबर 2011। द रिकमेंडेशन फॉर द भारत रत्न आर मेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द प्रेजिडेंट विद ए मैक्सिमम ऑफ 3 नॉमिनल बीइंग अवार्डेड पर ईयर। तो हर साल 3 को देना होता है, और यह सारी चीज़ें आप अच्छे से जानते हैं, नहीं जानते तो पढ़ लीजिए, वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ लीजिए चीज़ें, क्वेश्चन बन सकता है। विच इज़ द हाइएस्ट अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया? तो वो है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड। शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड इज द हाइएस्ट अवार्ड फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन इंडिया। इट इज अवार्ड एनुअली बाय द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR। तो CSIR का हेडक्वार्टर कहाँ और इस्टेब्लिश कब हुआ, ये दो चीज़ें जरूर देख लीजिए। मैं पहले कई बार बता चुका हूँ आप लोगों को, मैंने मतलब फ्रेंड्स जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप लोग अगर सारी वीडियोज़ देखेंगे HCS से रिलेटेड, या फिर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहता हूँ, जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता है कि सर ने, मैं वही क्वेश्चन कहता हूँ कमेंट करने के लिए जो मैंने पहले बता रखा हो। CSIR का मैं कितनी बार हेडक्वार्टर बता चुका हूँ, कितनी बार बता चुका हूँ कि इसका इस्टेब्लिश कब हुआ। तो आप बताइए नीचे, फॉर एक्सलेंट वर्क इन द फील्ड ऑफ साइंस। द अवार्ड इज नेम्ड आफ्टर द फाउंडर डायरेक्टर ऑफ द काउंसिल ऑफ साइंटिस्ट एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च शांति स्वरूप भटनागर। इट वॉज फर्स्ट अवार्डेड इन 1958। द प्राइज कंप्राइजेस ए सिटेशन, ए प्लेक एंड ए कैश अवार्ड ऑफ ₹5 लाख। और नेक्स्ट है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक इज, वर्ल्ड का सबसे बड़ा लेक कौन सा है? कैस्पियन सी। लार्जेस्ट इनक्लोज्ड इनलैंड बॉडी ऑफ वाटर ऑन अर्थ बाय एरिया, वेरियसली क्लास्ड एज द वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक ऑफ फुल फ्लेश्ड सी। चलिए नेक्स्ट, द लार्जेस्ट लेक इन अफ्रीका इज लेक विक्टोरिया। इसमें जो राइट आंसर वो है लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया रिसीव्स ऑलमोस्ट ऑल 80% ऑफ इट्स वाटर फ्रॉम डायरेक्ट प्रेसिपिटेशन रेन वाटर से, वाइल अदर 20% कम्स फ्रॉम स्मॉल रिवर्स फ्लोइंग इन टू द लेक। ओके नेक्स्ट, द लेक हैज टू मेजर इन्फ्लुएंस एंटरिंग द वेस्टवर्ड्स, दे आर द
कागीरा एंड द कटोंगा रिवर्स। द कागीरा रिवर इज द लार्जेस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट अफ्लुएंट ऑफ लेक विक्टोरिया। द लेक्स ओनली आउटलेट इज द विक्टोरिया नाइल विच एग्जिस्ट फ्रॉम द नॉर्दर्न कोस्ट। तो आपको ये पता होनी चाहिए सारी चीज़ें। लेक विक्टोरिया बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपको याद होगा, लेकिन ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैंने बताई है ये पता होनी चाहिए आपको, ये भी एग्जाम के अंदर पूछी जा सकती है। नासिक सिटी इज सिचुएटेड अलॉन्ग विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, तो वो कौन सी है? गोदावरी। नासिक सिटी गोदावरी के ऊपर है। द रिवर गोदावरी ओरिजिनेट फ्रॉम द ब्रह्मगिरी माउंटेन त्रिम्बकेश्वर अबाउट 24 किलोमीटर 15 माइल्स फ्रॉम द नासिक एंड फ्लो थ्रू द ओल्ड रेजिडेंशियल सेटलमेंट। द रिवर दैट फ्लो थ्रू ए नासिक बीट्स ओके इज गोदावरी। इट इज द लार्जेस्ट रिवर इन महाराष्ट्र एंड ऑफन कॉल्ड एज गंगा ऑफ साउथ। तो गंगा ऑफ साउथ किसे कहा जाता है आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन भी आया हुआ क्वेश्चन है और अभी भी रिपीट होने के काफ़ी चांसेस हैं। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोग भूल जाते हैं। जब आपको चीज़ें याद रहने लग जाएंगी तब आपके एग्जाम भी क्लियर होने लग जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे मैसेज करते कमेंट करते कि सर हम पढ़ते तो सर हमने 2 साल हो गए तैयारी करते, सर हमें 3 साल हो गए तैयारी करते लेकिन हमारा सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ, हमसे कोई भी एग्जाम क्लियर नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स प्रॉब्लम सिर्फ यही है कि आप लोगों को आप रिवीजन नहीं करते। अब मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ आपको, सभी लेक्चर्स दे रहा हूँ, आप मेरे लेक्चर्स फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मेरे हर लेक्चर को स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट प्रॉब्लम कहाँ है कि लैक ऑफ रिवीजन, वो रिवीजन नहीं करते। अगर आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, मैंने आपको बताया आप भूल जाएंगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आप फिर भूल जाएंगे, लेकिन जब आप उसको खुद नोट डाउन करोगे, नोट डाउन करके आप उसको याद रखोगे, याद रखने के बाद आप जो है एग्जाम के अंदर परफॉर्म करोगे, जब आप परफॉर्म करोगे तो आपकी सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। द लॉन्गेस्ट सी बीच इन इंडिया इज, तो वो है मरीना बीच। मरीना इज ए नेचुरल अर्बन सैंडी बीच अलॉन्ग द कोरोमंडल कोस्ट ऑन द बे ऑफ बंगाल, प्राइमरली सैंडी। द बीच स्पैन अबाउट 13 किलोमीटर रनिंग फ्रॉम नियर फोर्ट सेंट जॉर्ज इन द नॉर्थ टू बेसेंट नगर इन साउथ एंड द लॉन्गेस्ट नेचुरल अर्बन सी इन इंडिया। तो आप ये नाम जरूर याद रखिए और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिन्होंने पढ़नी है वो पढ़ लीजिए। नेक्स्ट है, हु इज द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट, तो वो है अवतार सिंह चीमा। अवतार सिंह चीमा वॉज द फर्स्ट इंडियन मैन टू क्लिम माउंट एवरेस्ट। अवतार सिंह चीमा 1933 टू 1989 अलॉन्ग विद 8 अदर वर द फर्स्ट इंडियंस टू लेड सक्सेसफुल एक्सपेडिशन दैट क्लिम माउंट एवरेस्ट ऑन 20 मई ऑन 1965। तो ये 1965 जरूर याद रख लीजिए, अवतार सिंह चीमा भी जरूर याद रख लीजिए। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच एंटार्क्टिका, वो कौन सी वुमेन है? वो है मेहर मूज। मेहर मूज बिकम्स द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विजिट एंटार्क्टिका। शी बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन महाराष्ट्र। शी ज्वाइंड एयर इंडिया एज एन एयर होस्टेस इन 1965 एट द एज ऑफ 21 ईयर। मेहर हैज ट्रेवल्ड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया फ्रॉम स्टार्क डेजर्ट्स टू टोरिंग माउंटेन्स, फ्रॉम वरदान सेंचुरीज टू द एंशियंट टेम्पल टाउन्स। शी कवर्ड ऑल द स्टेट्स एंड यूनियन टेरेटरी ऑफ इंडिया, तो सभी जगह पर गई हुई हैं। हु वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, तो वो है जॉन मथाई। जॉन मथाई वॉज एन इकोनॉमिस्ट हु सर्व एज इंडियन फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर। तो ये क्वेश्चन रेलवे वालों के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर कोई रेलवे का एग्जाम देना चाहता है तो। फ्रॉम 15 अगस्त 1947 टू 22 सितंबर 1948 ही वॉज ऑल्सो नोन एज फर्स्ट चेयरमैन ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। चलिए ये बैंकिंग वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट हो गया क्वेश्चन। इट वॉज सेटअप इन 1955 ही वॉज द फर्स्ट रेलवे मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इस बंदे का नाम जरूर याद रखिए, जॉन मैथई। ये कई बार आपको कई एग्जाम्स के अंदर परेशान करेगा और परेशान नहीं करेगा, अगर आपको पता है कि जॉन मैथई कौन है तो आपको पता है जॉन मैथई के बारे में आपने 3 चीज़ें पढ़ ली कि ये 3 चीज़ें हैं। अगर मान लो क्वेश्चन ऊपर किसी फोर्थ चीज़ से मतलब कि डील कर रहा है कि क्वेश्चन में कुछ उसने और पूछ लिया और नीचे ऑप्शन में दिया हुआ जॉन मैथई, तो आपको पता है कि यार ये 3 चीज़ों के साथ डील करता है, चौथी चीज़ के बारे में सर ने नहीं पढ़ाई है और मुझे नहीं पता, तो ये ऑप्शन आप निगलेक्ट कर दीजिए, बाकी फिर आप 3 में से करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप तुक्का भी मार सकते हैं फिर। असफ अली ही वॉज इन चार्ज ऑफ रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इन द इंटरिम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू फ्रॉम 2 अक्टूबर टू 1946 टू 14 अगस्त 1947। हु बिकेम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन द बुकर प्राइज, पहली वुमेन कौन थी? अरुंधति रॉय। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ हुआ है। इज एन इंडियन ऑथर नोन फॉर हर नॉवल द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स 1997। ये नाम जरूर याद रखिए कि ये नॉवल किसने लिखी, फिर मतलब कि बाद में क्वेश्चन आ सकता है कि अरुंधति रॉय जी ने लिखी थी। विच वॉन द मैन बुकर प्राइज फिक्शन इन 1997 एंड बिकम द बिगेस्ट सेलिंग बुक फॉर बाय एन नॉन एक्सपैट्रिएट इंडियन ऑथर। शी इज ऑल्सो ए पोलिटिकल एक्टिविस्ट इन्वॉल्व इन ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल कॉजेज।
तो ये सारी चीज़ें इनके बारे में इंपॉर्टेंट है, अरुंधति रॉय जी के बारे में अच्छी चीज़ें हैं, नोट डाउन कर लीजिए। और फ्रेंड्स जो बंदा ये जो भी स्टूडेंट है ही और शी जो ये 20-20 मिनट के लेक्चर अटेंड कर रहा है उनको एग्जाम्स के अंदर बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि मैं आपको सारी चीज़ अच्छे से डिटेल से करवा रहा हूँ। और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। शेयर करने से फ्रेंड्स किसी इंसान को जिस बंदे को इस वीडियो की जरूरत होगी उस तक ये पहुँच जाएगी, उसकी भी हेल्प हो जाएगी। और लाइक करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारा साहस बढ़ेगा कि हाँ आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आती है और नेक्स्ट टाइम हम आपके लिए इससे भी अच्छा कॉन्टेंट लेकर आए, इससे भी अच्छा मटेरियल लेकर आए, ताकि आपको जो बेनिफिट मिल सके। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव द मैगेसे अवार्ड, तो वो है विनोबा भावे। इन 1958 विनोबा भावे वॉज द फर्स्ट इंडियन रेसिपियंट ऑफ द इंटरनेशनल रमन मैगेसे अवार्ड फॉर द कम्युनिटी लीडरशिप। ही वॉज अवार्डेड द भारत रत्न पोस्ट मिली इन 1983, हेंस ऑप्शन डी इज करेक्ट। तो विनोबा भावे इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स मैंने बहुत अच्छे से डिटेल से मतलब कराया था कि मैगेसे अवार्ड क्या है, कौन सी कंट्री देती है। फ्रेंड्स मैंने जो इससे पहले हम लोगों ने हमारे चैनल पर हरियाणा पुलिस की कंप्लीट तैयारी करवाई थी और उसमें से जो है 3 बंदे सिलेक्ट भी हुए हैं। और फ्रेंड्स इसके साथ ही अब आपको बता दीजिए कि आप कौन कौन से, अब HCS का हम पूरा क्रैश कोर्स करवा रहे हैं। फ्रेंड्स आप लोग हमें नीचे कमेंट करके ये बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि सर इस एग्जाम की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी 50 कमेंट सेम एग्जाम की बात कर रहे हैं, 50 कमेंट्स मान लीजिए किसी ने कह दिया कि सर हम SSC CGL की तैयारी करना चाहते हैं, आप लोग हमें करवाइए इंग्लिश मैथ रीजनिंग GS सारी चीज़ें हम करवाएं। अगर 50 कमेंट भी ये कहते हैं सेम चीज़, तो हम आपके लिए अलग से फिर मतलब सेम SSC के लिए लेक्चर सीरीज शुरू कर देंगे और आपका जो पूरा सिलेबस है वो अच्छे से कंप्लीट करवाया जाएगा। आप मतलब LIC के अंदर वैकेंसीज निकली हुई है, अगर आप कोई LSI की तैयारी करना चाहता है LIC की, क्या सर इसका पूरा एग्जाम पैटर्न इसी के हिसाब से इसके पुराने क्वेश्चन पेपर सारी चीज़ें हमें कवर कराई जाए, तो हम आपको वो भी सारी कवर करवा देंगे। फ्रेंड्स जो आप डिमांड करेंगे वो हम आपको मतलब जरूर प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन आप लोग डिमांड कीजिए और एक अच्छे ढंग से डिमांड कीजिए। कुछ मतलब कि शरारती तत्व वीडियो के नीचे मतलब अश्लील कमेंट करते हैं, वो बहुत गलत चीज है। और वो मान लीजिए एक बार उन्होंने कमेंट कर दिया, वो कमेंट हमने नोट डाउन कर लिया, उसके बाद हम उनको ब्लॉक कर देते हैं, तो उसके बाद ना ही तो वो हमारी वीडियो देख पाएंगे और ना ही कभी आगे से वो कोई कमेंट कर पाएंगे। तो प्लीज फ्रेंड्स अगर आपने कुछ भी पूछना है, कुछ भी डाउट है, क्वेरी है, तो आप एक अच्छे ढंग से पूछ लीजिए कि हाँ आप लोग स्टूडेंट हैं, हम आपको बता रहे हैं सारी चीजें, हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम आपके टीचर्स हैं, तो हम आपको या तो हम आपकी क्वेरी ले ना रहे हो, फिर तो है कि सर आप हमारी क्वेरी नहीं ले रहे। अब हम क्वेरी ले रहे तो आप ढंग होना चाहिए पूछने का। तो फ्रेंड्स सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे, आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है विक्टोरिया वाटरफॉल्स लोकेटेड ऑन विच रिवर, तो जो विक्टोरिया वाटरफॉल्स है वो जाम्बेजी रिवर के अंदर है। चलिए कौन सी कंट्री में है बता देते हैं आपको विक्टोरिया वाटरफॉल्स। विक्टोरिया वाटरफॉल्स इज लोकेटेड ऑन जाम्बेजी रिवर इन जाम्बिया अफ्रीका के अंदर है। तो जाम्बिया कंट्री है, इसकी जो करेंसी और कैपिटल जरूर बताइए, इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। इन विच डायरेक्शन माही रिवर फ्लोज, तो माही रिवर के बारे में ये क्वेश्चन यार बहुत मतलब पूछा जाता है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर है माही, तो इसके बारे में ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूँ, इन वेस्टर्न रीजन माही रिवर फ्लोज, इट राइजेज इन मध्य प्रदेश एंड आफ्टर फ्लोइंग थ्रू द वगड रीजन ऑफ राजस्थान एंटर गुजरात एंड फ्लोज इन टू द अरेबियन सी। इट इज वन ऑफ द 3 वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स इन इंडिया अलॉन्ग विद ताप्ती रिवर, नर्मदा रिवर। मोस्ट ऑफ पेंसिल्ड रिवर इन इंडिया फ्लो इन ईस्टर्न डायरेक्शन इन टू बे ऑफ बंगाल। तो जो इंडिया की मोस्ट ऑफ द रिवर्स, आपने पता होगा, आपने पढ़ा होगा जियोग्राफी के अंदर कि जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं वो ईस्ट की तरफ बहती हैं, वो सभी बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं। और दूसरी तरफ ये अरेबियन सी के अंदर 3 ही रिवर हैं जो अरेबियन सी के अंदर गिरती हैं, वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, माही एंड सेकेंड वन इज नर्मदा एंड थर्ड वन इज ताप्ती। तो तीनों आप लोग नोट डाउन कर लीजिए रेड कलर के पेन के साथ अपने नोट्स पर, ताकि आपको कभी भूले ना ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन UPSC के अंदर भी आया हुआ है, SSC के अंदर भी आया हुआ है, और काफी एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है। चलिए नेक्स्ट, सिटी ऑफ उज्जैन इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, तो सिटी ऑफ उज्जैन है वो कौन से बैंक पे, तो उसमें जो राइट आंसर वो है शिप्रा रिवर। फ्रॉम दीज कॉइंस वी नो 40 इंडो ग्रीक रूलर हु रूल्ड इन स्मॉल नॉर्थन वेस्ट रीजन ऑफ, तो जो वहां पर सिक्के मिलते हैं उनसे हमें ये सब पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज सिचुएटेड ऑन बैंक्स ऑफ मुल्ला मुथा रिवर, तो मुल्ला मुथा रिवर पे कौन सा है, पुणे है वहां पर, तो याद रखिए पुणे महाराष्ट्र के अंदर है, तो पता होना चाहिए मुल्ला मुथा रिवर कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है। नेक्स्ट है कांगड़ वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट, तो उसका राइट आंसर है छत्तीसगढ़। ओके, कांगर वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन छत्तीसगढ़। कांगर घाटी नेशनल पार्क आल्सो कॉल्ड कांगर वैली नेशनल पार्क वाज डिक्लेयर्ड नेशनल पार्क इन 1982 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो नेशनल पार्क के बारे में जाकर थोड़ा सा पढ़ लीजिए,
इंडिया के अंदर कितने नेशनल पार्क हैं ये थोड़ा सा पता होना चाहिए। वैसे भी मैं पहले ये जो करवाता होता था सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से कवर करवा रखी, जो लोग हमारे शुरू से स्टूडेंट रहे उनको सभी पता है कि मैंने सारी चीज़ें अच्छे से कवर करवाई हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि सर नेशनल पार्क पर एक अलग से एक्सक्लूसिव वीडियो बना दीजिए कि सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर नेशनल पार्क को आप हमें अच्छे से कवर करवा दीजिए कि कौन सी स्टेट के अंदर कौन से नेशनल पार्क है, कब इस्टेब्लिश हुए, तो वो हम आपको करवा देंगे। आप लोग नीचे कमेंट करके बता दीजिए। द कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन इज लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। तो जो कैगा न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कौन सी स्टेट में है, वो है कर्नाटका के अंदर। जनरेटिंग स्टेशन इज न्यूक्लियर पावर जनरेटिंग स्टेशन सिचुएटेड एट कैगा नियर द रिवर काली। तो रिवर कैली कहाँ पर है, कर्नाटका के अंदर है ये भी। इन द उत्तर कन्नडा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका इंडिया। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर डैम इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर। राणा प्रताप सागर डैम काफी इंपॉर्टेंट है, चंबल रिवर पर है, राजस्थान के अंदर है, याद रखिए ये। और इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप लोग पढ़ लीजिए, काफी लंबी जा रही है वीडियो, तो फिर मतलब कि बच्चे कह देते हैं सर इतनी लंबी वीडियो मत बनाया कीजिए, तो जिन्होंने पढ़ना है वीडियो को पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है गांधी सागर डैम लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इज बिल्ट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। तो वो है चंबल के अंदर, गांधी सागर डैम भी चंबल रिवर के अंदर मध्य प्रदेश में है ये। और जो राणा प्रताप सागर डैम है ये चंबल रिवर के ऊपर राजस्थान के अंदर है, तो ये जरूर याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी सारी चीज़ें हैं, गांधी सागर डैम इज वन ऑफ द फोर मेजर डैम्स बिल्ट ऑन चंबल रिवर। द डैम इज लोकेटेड इन द मंदसौर एंड नीमोचल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। द 960 किलोमीटर लॉन्ग चंबल रिवर ऑरिजिनेट फ्रॉम सिंगौर चौरी पीक ऑन द नॉर्थन स्लोप ऑफ विंध्यान रेंज। इट इज ट्रिब्यूटरी ऑफ द यमुना रिवर इन सेंट्रल इंडिया। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर डैम, कोट बैराज एंड आर थ्री अदर डैम बिल्ट ऑन द चंबल रिवर। तो ये आप जरूर याद रखिए कौन कौन से चंबल रिवर पर हैं। एंड नेक्स्ट इज दमदमा लेक इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। तो वो है हरियाणा के अंदर। वेयर इज द रेल कोच फैक्ट्री ऑफ इंडिया। रेल कोच फैक्ट्री कहाँ पर है, वो है कपूरथला के अंदर, कपूरथला पंजाब। इट वॉज एस्टेब्लिश इन 1986। वाराणसी डीजल लोकोमोटिव वर्क्स है वाराणसी के अंदर। बेंगलुरु में व्हील एक्सल प्लांट है और टाटा नगर में मीटर गेज स्टीम लोकोमोटिव्स हैं। तो इन चारों चीज़ों की एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे देगी, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आर्टिकल 315 से आर्टिकल 323 इन पार्ट 14 डिस्क्राइब विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या डिस्क्राइब करते हैं, पब्लिक सर्विस कमीशंस। आर्टिकल 315 टू 323 पार्ट XIV ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन। तो PCS के बारे में बात करते हैं ये, फॉर द यूनियन एंड इज पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर ईच स्टेट। और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आज की वीडियो जो काफ़ी लंबी हो गई है, तो आज हम यहीं पर इसको ख़त्म कर देते हैं। और नेक्स्ट लेक्चर हम आपका, अगर आप कहेंगे कि सर नेक्स्ट लेक्चर ले, तो आपके लिए नेक्स्ट लेक्चर ले आएंगे। और 20 मिनट से ऊपर की वीडियो, पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, अपने कीमती कमेंट नीचे जरूर दीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी डाउट है कोई नीचे कमेंट कर सकते हैं। और प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर किया कीजिए, इससे दूसरों का फायदा हो जाता है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, आपका दिन शुभ हो, तैयारी करते रहिए, हमसे कोई भी हेल्प चाहिए तो जरूर बताइए।